ये बेस मॉडल की वायरिंग निकाली गई है। अच्छा, मॉडल की लगाई गई है। ठीक है, समझ गया। काम करना शुरू हो गया। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो हो रही है बेस मॉडल टू टॉप मॉडल कन्वर्ट। एक बार दोबारा से मैं आ गया हूँ पंजाब ऑटो एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। अकरम भाई लगे हुए अपने वायरिंग वाले के सारे काम का। इरफान भाई भी आ गए, यहाँ के एक्सपर्ट, मैं कहूँगा यहाँ के भीष्म पितामह है ये, मजबूत स्तंभ। बाकी रेहान भाई भी अंदर लगे हुए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक गाड़ी में जब भी आती है तो 5-7 लोग लग ही जाते हैं, जिससे जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए। तो इस बार हमारे यहाँ पे एक आ गई है शॉप में स्कॉर्पियो, ये देखिए क्लासिक एस। इसको हम लोग टॉप मॉडल, ये बेस मॉडल है, आप देख रहे हो बंपर से आपको आइडिया लगे हो। तो अभी भाई ने बता दिया है कि क्या क्या काम होना है, वायरिंग का क्या क्या होगा, मैं फ्रंट से दिखा दूँगा और क्या क्या होगा। ये देखिए, ये बेस मॉडल है, इसको हम लोग टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अभी क्या क्या काम होना है भैया से हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। ओके, ये पावर विंडो हो गया इसमें। पांडे जी ने लगाया, देखिए स्पेशली पांडे जी ने पावर विंडो काम किया है। भैया ने चेक कर लिया, परफेक्टली वर्किंग है। जो बेस मॉडल की वायरिंग वो हटा दी गई है, और वायरिंग भी कपलर टू कपलर हमारे यहाँ फिट होती है, ऐसा नहीं कि कटिंग वटिंग हो जाता है। और ये हार्डबोर्ड की जगह, अच्छा इसकी जगह आप क्या लगाएंगे? इसकी जगह ये हार्डबोर्ड लगेगा। ओके, दिस वन ये रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंटीरियर भी पूरा एकदम टॉप मॉडल की तरह कन्वर्ट कर देंगे। इस वायरिंग का कोई काम नहीं, इसको फेंक देंगे। अगर हम भाई, अच्छा ये है ना, ओके टॉप मॉडल वाला, ये देखिए पुराना वाला हट के ये वाला लगेगा एकदम बढ़िया से, सो कि अंदर बैठने वाले पैसेंजर को मजा आ जाए। वाह, बेहतरीन फिनिश के साथ एकदम कंपनी फिटेड लगेगा, कोई भी आफ्टर मार्केट फिट नहीं लगेगा। तो आपने देख ही लिया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई दिया कि कैसे पावर स्टेयरिंग में इसको कन्वर्ट हो गया। पहले ऐसे ऐसे घुमाने वाला होगा ना, क्योंकि बेस मॉडल था, तो अब हमने इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम भाई और क्या क्या हो रहा है इसमें, और क्या क्या काम हो रहा है कुछ? पूरी टॉप मॉडल ना, आर्म रेस्ट लगेगा, हेडलाइट वेडलाइट सब कुछ चेंज होगा, पावर प्रोजेक्टर वोजेक्टर। भैया 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? और क्या क्या प्लान कर रखा है आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा करवाने का? बस अभी तो यही प्लान किया है। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं ना? ठीक है। और भैया अपना नाम बता दीजिए, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। तरन जी, चलिए बात करके बढ़िया लगा आपसे। बाकी एलॉयज नहीं है, वो बेसिक कंपनी फिटेड वाले रिम है। अभी एलॉयज का कोई चेंज प्लान नहीं है चेंज कराने का। अगर जो आपके पास भी स्कॉर्पियो या फिर कोई भी थार, बाकी आप देख लो गाड़ियाँ कितनी सारी हैं, स्कॉर्पियो किया, और यहाँ पे हमारी ये कौन सी है, इसका मुझे नाम नहीं पता चला, शायद एक्स्टर है, हुंडई एक्स्टर है। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में कुछ नया देखने मिला होगा, नया सीखने मिला होगा, और आपको एक आइडिया भी लगा होगा आप अपनी गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। तो जैसे भी लगे वीडियो कमेंट में बताओ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे सेट करो, और अपना नया प्रोडक्ट ऐसे ही देते रहो। करता हूँ इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड, लव यू, टेक केयर एंड।